टॉपिक इज एक यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाने के लिए हेल्पफुल टॉपिक है। जब यहाँ पे मान लो आप एक कंटेनर से उसमें दो पार्ट्स बनाए हुए हैं और एक पार्ट में कोई एक गैस है, दूसरे पार्ट में कोई दूसरा गैस है और डिफरेंट कंडीशन पे P1, P1, T1 मतलब दूसरा टेम्परेचर लिमिट इसकी अलग है, दूसरा जो है उसके P1, P2, B2, T2 है मतलब टेम्परेचर लिमिट, वॉल्यूम और प्रेशर लिमिट दोनों अलग अलग हैं। जो 1 की है उसकी हो सकता है ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, दूसरे से मतलब दूसरे वाले से अलग होगी, प्रेशर भी अलग होगी, वॉल्यूम भी अलग होगी, टेम्परेचर भी अलग होगी। और दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो जो थर्ड मतलब कि थर्ड मिक्सचर दोनों का बन के आएगा, उसका अलग प्रेशर टेम्परेचर और बोलूँगा P3, V3, T3, तो कैसे उसको हम निकालेंगे मतलब कैसे काउंट करेंगे। तो V3 तो आपको पता है सिंपल सा कि वॉल्यूम जो 3 आएगा V1 प्लस V2 कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा जितना भी पहला वेसल के सेक्टर का वॉल्यूम था और उसी वेसल का दूसरे सेक्टर का जितना वॉल्यूम था उसको ऐड कर दो तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। बट प्रेशर और टेम्परेचर के लिए तो आपको निकालना पड़ेगा इक्वेशन, तो वही निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए दो इक्वेशंस यूज होंगी हमारे पास। सबसे पहले क्या होगा, मास कंजर्वेशन, और दूसरा क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन में M3 जो होगा M1 प्लस M2 के बराबर होगा और एनर्जी कंजर्वेशन में M3U3 प्लस M1U1 प्लस M2U2। यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी मीन्स दैट स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट मास ले रहे हैं हम, ठीक है, मतलब U/M दैट इज स्मॉल u, एनर्जी पर यूनिट मास। तो एनर्जी आपको पता है u क्या होता है, MCV/dt होता है, ओके तो पर यूनिट मास लेंगे तो कट जाएगा, तो स्मॉल u हमारे पास क्या बच जाएगा, CV/dt स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ओके तो यही यहाँ पे बता रखा है। तो सबसे पहले पहला यूज करेंगे M3U3 एनर्जी कंजर्वेशन को, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, U3 का वैल्यू रख देंगे तो CV/T3 आ जाएगा, उसी तरीके से U1 का रखें CV/T1, U2 का रखें CV/T2, तो CV/CV कॉमन है, CV/CV कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच क्या जाएगा, MT3 इज इक्वल टू MT1 प्लस MT2। अब जो आपको पता है कि PV इज इक्वल टू MRT होता है, ओके तो हमारे पास ऊपर में है क्या, MT है, तो PV/R इज इक्वल टू MT हो गया, ठीक है। तो MT के जगह पे क्या लिख सकते हो, PV/R लिख सकते हो, P3 PV3/R लिखोगे M3 T3 के जगह पे, तो M3 T3 के जगह पे P3/V3, R तो कांस्टेंट है अपॉन में R, उसी तरह से M1 T1 के जगह पे P1 V1 अपन में R और यहाँ पे P2 V2 अपन में R, R R कॉमन है तो R कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच जाएगा, P3 V3 इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2। P3 का वैल्यू निकालने के लिए P1 V1 प्लस P2 V2 अपन में V3 लिख देंगे। अब P3 की जो वैल्यू होगी होगी P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन में V3, आपको बताया था V3 क्या होगी, V1 प्लस V2, ओके तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए, P3 की वैल्यू निकालने के लिए। अब हमें क्या निकालना है, T3 की वैल्यू कैसे आएगी। T3 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करेंगे, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M3। अब आपको पता है PV इज इक्वल टू MRT होता है, तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, PV/RT। तो जैसे M1 निकालना है तो P1 V1/RT1, M2 निकालना है तो P2 V2/RT2, M3 निकालना है तो P3 V3/RT3। जैसे हम वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो RR जो कॉमन होगा कट जाएगा, अब आपके पास बच जाएगा यहाँ पे P1 V1/T1, P2 V2/T2, P3 V3/T3। अब T3 की जो वैल्यू निकालनी है तो इस साइड में है, तो T3 को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लाएंगे और इसको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ले जाएंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी
और कुछ इस तरीके से आएगी, T3 इज इक्वल टू P3V3 ऊपर वाला और ये नीचे जाएगा, तो डिवाइडेड बाई P1V1 बाई T1 प्लस P2V2 बाई T2। तो T3 का इक्वेशन आपके पास ये आ गया, T3 इज इक्वल टू, और P3V3 क्या किसके बराबर है, P1V1 प्लस P2V2। यहाँ पे आप देख सकते हो P3V3 इज इक्वल टू P1V1 प्लस P2V2 वर्क एक से। तो यहाँ पे P3V3 P1V1 प्लस P2V2 के बराबर हो जाएगा और अपॉन में P1V1 बाई T1 प्लस P2V2 बाई T2। तो ये हमारे पास टेम्परेचर 3 का इक्वेशन हो जाएगा। ओके, नाउ आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, नाउ साइनिंग ऑफ।